आत्मनिर्भर भारत को लेकर सांसद ने मीडिया से चर्चा की, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा जनता के हित के लिए किए गए कार्यों की बात की। वहीं कोरोना वायरस से कारण जहां देश के आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, जिसको लेकर कई योजनाएं बनाई जा रही है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर सांसद ने मीडिया से चर्चा की, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा जनता के हित में किए कार्यों के बारे में बात की गई। वहीं कोरोना वायरस के कारण जहां देश के आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, जिसको लेकर कई योजना बनाई जा रही है। इस कोरोना काल में जनता को भी इसमें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जिनके लिए भी कई योजनाएं बनाकर उन्हें राहत दी गई है। वहीं चीन और भारत के विवाद के बाद स्वदेशी अपनाव को लेकर लगातार बातें चल रही है, जिसके तहत आगामी राखी त्यौहार को लेकर सांसद ने चीनी राखियों का बहिष्कार करने के लिए देशी राखियां बनाने का निर्णय लिया है, जिसके चलते लगभग 1,00,000 तक बनाई जाएगी राखियों के लिए सामान उपलब्ध सांसद द्वारा कराया जा रहा है। वहीं राखियों को विक्रय के बाद में जो मूल्य प्राप्त होगा वह राखी बनाने वाले महिलाओं को दिया जाएगा। साथ ही इंदौर शहर में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए सांसद ने कहा कि अगर इसी तरह कोरोना के मरीज बढ़ते गए और शहर की स्थिति सामान्य नहीं हुई तो वापस लॉकडाउन की ओर शहर जा सकता है। निर्णय तो मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर हमारे पेशेंट बढ़े, अगर पॉजिटिव की संख्या बढ़ी, अगर हम आगे बढ़े तो हम लॉकडाउन छोड़ देंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट पे है सर, और मंडियां जो रात को खोल रहे हैं, रात को मंडियों के अंदर इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है कि आप सोच नहीं सकते। जहाँ एक तो आप बता रहे हैं सब्जी वाला संक्रमित हुआ, उसका पूरा परिवार हो गया, यहाँ तो संक्रमित यदि कोई व्यक्ति होता है तो वो सब्जियों के द्वारा कई शहर में कई लोगों को संक्रमित कर देगा, तो वहाँ पर कोई ऐसा मैनेजमेंट रात में नहीं है, तो रात में खोलने का क्या मतलब रहा? बीच में हमने मंडी में चेकिंग की थी और हमने एक दुकानदार को सील भी किया था और फाइन भी लगाया था। रेंटर भी चेकिंग के लिए बोला है और मुझे लगता है कि जिला प्रशासन इस पर चेकिंग करेगा और हम और कहेंगे कि मंडियों में खास करके चेकिंग हो, पर मंडी वाले भी कह रहे हैं हमको दिन में चालू करो, तो अगर स्थिति ठीक होगी तो विचार करेंगे उसमें। अलवारी जी, अभी ताई ने लेटर लिखा था रेल मंत्री को और अभी पिछले 5 दिनों में कुछ भेदभाव पड़ता है, सैंपल ज्यादा लिए जा रहे हैं, जाँच कम हो रही है, आपने भी 2 मशीनें नहीं सही था कि सैंपल बढ़ाने के लिए 2 मशीन मैंने किसी से बोलकर CSR फंड में दी थी, जिससे सैंपलिंग की संख्या बढ़े। सैंपलिंग की संख्या तो बढ़ी है और हमने देखा कि पॉजिटिव की संख्या भी बढ़ रही है। मैं आपके माध्यम से शहर की जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि जो प्रोटोकॉल हमने जारी किया था, खास करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना, हमने देखा शुरुआती दौर में जब हम दंड करने जा रहे थे तो ये मार्केट से आ रहा था कि फाइन नहीं लगाए, पर मुझे अब लगता है कि फाइन लगाना चाहिए क्योंकि लोग कुछ मान नहीं रहे। हमने एक पिछले 15 दिनों में लोगों को समझाने की कोशिश की है, अभी दंड 100-200 रुपये ही रखा है, पहले तो ज़्यादा था 100-200 रुपये, लेकिन दंड से मुझे लगता है कि इसकी समस्या का हल होगा। इसका समस्या का ये होगा कि जन जागरण होना चाहिए और जिस प्रकार से सैंपल बट रहे हैं, हमने देखा कि सब्जी की दुकान पे ठेले पे एक साथ 5-5, 7-7 लोग खड़े होके सब्जियां ले रहे हैं। खास करके अभी हमारे राला मंडल में एक परिवार है, वो सब्जी वाला ही है, वो महाराष्ट्र से वो सब्जी मंगाता था और वो ट्रक वाले के संपर्क में आया। एक भाई आया, वो जॉइंट फैमिली रहती है, पूरे परिवार को 15-16 लोगों को पॉजिटिव हो गए। तो अगर हम सब संभल के चले तो मुझे लगता है कि अनलॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही वो आगे बढ़ेगी। अगर कहीं हम संभल के नहीं चलेंगे तो व्यक्ति अपना भी नुकसान करेगा, परिवार का नुकसान करेगा और शहर का नुकसान करेगा और शहर वापस अनलॉकडाउन की तरफ जाएगा, क्योंकि हमने देखा देश में अनेकों शहर वापस अनलॉकडाउन की ओर जा रहे हैं, लॉकडाउन की ओर जा रहे हैं। तो ये हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा और आपके माध्यम से पूरे शहर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हमें लॉकडाउन की ओर नहीं जाना है तो कृपया सतर्कता बरतें और सावधानी बरतें। हमने जब इसमें दो चीज और बता दूं, हमने इसमें दो चीज और कर ली। एक तो हमने डेट ऑडिट के लिए कहा है, अब ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, कुछ जो डेट हो रही, डेट जो मृत्यु हो रही है उसको ऑडिट करने के लिए क्यों हो रही, किस कारण से हो रही है, क्योंकि ऐसी जानकारियाँ मिल रही थी कि जो मृत्यु हो रही है उसमें आखिरी स्टेज पे लोग हॉस्पिटल में आ रहे हैं, तो क्या कारण है लोग पहले अस्पताल में नहीं आ रहे हैं,
क्या प्रति एकदम अटैक हो रहा है पहली बार, तो डायरेक्ट ऑडिट के लिए डॉक्टर की टीम बनी, वो ये पता लग रहा है कि इसमें मृत्यु क्यों आ रही ज़्यादा। दूसरा जो आप सैंपलिंग की बात कर रहे हैं, हमने जो सैंपलिंग का जो पैटर्न है उसमें थोड़ा परिवर्तन किया है। जो हम रेंडम सैंपलिंग करते हैं वो तो करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये सैंपलिंग भी उसमें बढ़ाने की बात कही। जो समझो कोई पॉजिटिव आता है, एक व्यक्ति कोई पॉजिटिव आता है, पहले क्या करते थे हमारे जो कंट्रोल रूम था वहाँ उनके परिवार लोगों से पूछते थे कि आप किसी से संपर्क में आए, वो ट्रेसिंग लेते थे, उस ट्रेसिंग करके हम उनके लोगों से पूछते थे कि आपका हालचाल कैसा है, ठीक है। लेकिन हमने कहा है कि नहीं, अगर वो व्यक्ति पॉजिटिव जो आया है वो किसी से मिला है तो उन सब लोगों की सैंपलिंग लो, और उसके कारण सैंपलिंग की संख्या बढ़ी है, वो जिस जिस संपर्क में आए उन सबकी सैंपलिंग में हिस्सा ले रहे हैं, और एक किंग करोना करके जो अभियान चल रहा है उसमें भी कुछ जो सिम्टम आ रहे हैं उन सिम्टमों को लेकर हम उनकी भी सैंपलिंग कर रहे हैं, तो थोड़ी सैंपलिंग की संख्या बढ़ी है। इस मंथ के अंत में वो मशीन भी आने वाली है जो एक घंटे में हजारों सैंपल करती है, लेकिन हमने कहा कि अगर सैंपल कहीं ज़्यादा रोकेंगे तो हम बाहर भेज के टेस्टिंग कराएंगे, मतलब प्राइवेट लैब के ऑप्शन खुले हुए हैं। देखिए अब ये तो अब जो खरीदने वाला है उसके मन में अब भावना आ गई कि हम स्वदेशी खरीदें और चाइना का बहिष्कार करें, तो अभी तो समय के हिसाब से अगर चाइना ऐसी स्थिति नहीं पैदा करता तो ऐसी भावना नहीं आती। अभी तो चाइना ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि लोगों के मन में चाइना के प्रति इतना गुस्सा है कि वो सामान खरीदना नहीं चाहते। अभी तो समय आके बताएगा आगे क्या होगा। देखिए पिछले लोकसभा के सत्र में अभी तो चूंकि लॉकडाउन है और दिल्ली जा नहीं पाते हैं, लेकिन जब पिछला सत्र था जब भी मैं दिल्ली रहा पूरे वर्ष भर में मैं चार बार गृह मंत्री से मिला और लगातार उनके संपर्क में पत्र भेजे भी गए हैं, और जो जो योजनाओं के बारे में जो चालू है वो चालू रहेगी। और जहाँ तक एक लिंक ट्रेन की बात थी, वो लिंक ट्रेन पूरे देश में लिंक ट्रेनों को बंद करने की एक पॉलिसी बनी थी उसके अंतर्गत था, लेकिन आदरणीय ताई जी के नेतृत्व में इंदौर में बहुत सारे विकास कार्य हुए, सबसे ज़्यादा ट्रेनें हमें ताई जी के नेतृत्व में मिली और हम भी आदरणीय ताई जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो ताई जी की मंशा के अनुरूप हमने रेल मंत्री से ही बात की और संभावना है कि उसमें ये लिंक ट्रेन चालू होने की, और उसके साथ साथ हमने देखा कि दो ट्रेनों की तो आज ही आप समाचार पत्रों में पढ़ा होगा दो ट्रेनों के बारे में, और एक इंदौर उज्जैन को लेके जो इलेक्ट्रिफिकेशन को लेके जो काम रुका हुआ था उसकी राशि भी जो बची हुई थी वो भी आ गई है। अब इंदौर से लेके उज्जैन तक पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा इस सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए मैंने कहा कि हमने अनलॉक टू को धीरे धीरे कराया खोला है, और पर अगर शहर की स्थिति बिगड़ी है, अगर कोई और ज़्यादा मरीज आए और लोगों ने जो हमने गाइडलाइन दी उसके अनुसार नहीं रहे तो हो सकता है हमको लॉकडाउन की ओर जाना पड़े। ये हमारे ऊपर है, शहर की जनता के ऊपर है कि वो लॉकडाउन चाहती है कि अनलॉकडाउन चाहती है। हमारा पूरा प्रयास है कि हम अनलॉकडाउन करें, पर ये हमको शहर की जनता का भी साथ चाहिए। देखिए रविवार को हमने लॉकडाउन की बात कही है और ये ब्रेक करने की बात कही है, एक दिन का ब्रेक हो, लोगों का तो कुछ कहना है जो मैसेज आ रहे हैं कि शनिवार को भी आप करें, लेकिन हम स्थितियां देखेंगे, हो सकता है अगर स्थितियां सुधरी तो अगले रविवार को नहीं करेंगे, और बिगड़ी तो हो सकता है हम ज़्यादा दिन के लिए लॉकडाउन करें। देखिए अभी तो हम नॉमिनल फाइन कर रहे हैं 100-200 रुपये, अगर उसके बाद भी लोग नहीं मानेंगे तो हो सकता है हमको विचार करना पड़े, क्योंकि वो खुद जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस नहीं रखे, वो खुद का स्वास्थ्य का भी खिलवाड़ कर रहे हैं, परिवार के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और उस समाज के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं जहाँ पर वो खड़े हैं। मरीज बढ़ रहे हैं तो इस स्थिति में धर्मस्थलों को खोलने की अब अनुमति की जो योजना बनाई जा रही है वो होना चाहिए। देखिए हमने योजना तो पिछले हफ्ते बनाई थी और सहमति भी हो गई थी, लेकिन चूँकि स्थितियाँ जो अभी आ रही हैं उसको देख के हम विचार करके आगे बढ़ेंगे। जिनको खोलने की भी बात चल रही है अभी उसके बारे में निर्णय नहीं हुआ।